आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। जिस दिन तुम्हारे घर के सामने बीजेपी विधायक ने लाडली बहन योजना पर ऐसा क्या बोला कि मच गया बवाल। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले महायुति सरकार कई योजनाएं शुरू कर रही है, इनमें लाडली बहना योजना भी शामिल है। ऐसे में महायुति गठबंधन में शामिल सभी पार्टी इस योजना का जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सार्वजनिक मंच से इस योजना का गुणगान कर रहे हैं, तो NCP नेता और डेप्यूटी CM अजीत पवार इस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए जनसम्मान यात्रा कर रहे हैं। ऐसे समय में कामठी से बीजेपी विधायक टेकचंद सावरकर ने लाडली बहन योजना के बारे में अपने भाषण में जो कहा, उससे महायुति मुश्किल में आ गई है। बीजेपी विधायक ने क्या कहा? दरअसल सावरकर का एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो लाडली बहन योजना के संबंध में सभा में उपस्थित महिलाओं से पूछ रहे हैं, इतनी बड़ी भांगड़ क्यों की हमने, ईमानदारी और अपने अंतःकरण से बताओ। विपक्षियों ने बोला हमला। आपको बता दें कि टेकचंद सावरकर का भाषण वायरल होते ही विपक्षी पार्टी को बीजेपी सहित महायुति को घेरने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। लाडली बहना योजना शुरू होते ही विपक्षी नेताओं ने इसे चुनावी लॉलीपॉप बताते हुए दावा किया था कि चुनाव के बाद योजना बंद हो जाएगी। अब सावरकर ने उनके दावों पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि सावरकर के बयान से स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी और महायुति सरकार ने लाडली बहन योजना केवल विधानसभा चुनाव में लाभ कमाने के लिए शुरू की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव की ओर से घोषित महाराष्ट्र लाडली बहन योजना पिछले कुछ महीनों से काफी चर्चा में है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं NMP न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।